I am Bilal Pasha. I am from 47th Common Training Program. एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आईआर में, आपके यूएस हिस्ट्री में, करंट अफेयर में, इवन के पाक अफेयर में भी बार बार पूछा जाता है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की तो शायद मैं डिटेल में ना जाऊं, मैं तुम्हें एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको कोल्ड वॉर की मेन जो चीज है वो समझ आ जाएगी। कोल्ड वॉर को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक आपने यही याद रखना कि कोल्ड वॉर वो वॉर थी जो हिस्ट्री में कभी भी हॉट नहीं हुई। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है कोल्ड वॉर दो ब्लॉक्स के दरमियान थी, जिसमें जो एक ब्लॉक था वो वेस्टर्न ब्लॉक था और जो दूसरा ब्लॉक था वो ईस्टर्न ब्लॉक था। अब इनमें भी जो मेजर कंट्रीज रोल प्ले कर रहे थे, वेस्टर्न ब्लॉक में जो मेजर कंट्री रोल प्ले कर रहा था दैट वाज यूएसए, और ईस्टर्न ब्लॉक में जो मेजर कंट्री रोल प्ले कर रहा था दैट वाज यूएसएसआर, जो बाद में रशिया भी बना। सो व्हाट इज दिस यूएसए? दिस यूएसए इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दिस यूएसएसआर इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तुम लोग यहां पे ये फर्ज कर लो कि असल में ये जो वॉर है ये थी यहां पे यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान। फर्ज कर लो यहां पे वॉर थी बिटवीन ए एंड बी, लेकिन यहां पे जिनको इस ए और बी ने लड़वाया वो थे सी और डी। बिकॉज पूरी की पूरी जो कोल्ड वॉर है दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉक्सी वॉर्स। अब प्रॉक्सी वॉर्स क्या होती हैं? जैसे कि आप लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में याद होगा कि हम अपने दोस्तों की प्रॉक्सी लगाते थे ना अटेंडेंस में। प्रॉक्सी क्या होती थी कि उस बंदे की जगह पे, मतलब मैं हूं, मेरी जगह पे अगर कोई मेरी प्रॉक्सी लगा देता था तो इसको कहते थे प्रॉक्सी। और यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर जो होती है कि जब आपकी वॉर ना हो बल्कि आपको किसी के लिए लड़वाया जा रहा हो, दैट इज नोन एज प्रॉक्सी वॉर। तो कोल्ड वॉर में आप जितनी भी छोटी छोटी जंगें देखेंगे वो, ये तो मैंने जैसे पहले कहा कि ए और बी ये एक दूसरे के लिए तो रहे हमेशा कोल्ड, कभी भी खुल के सामने नहीं आए, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने बिहाफ पे सी और डी को लड़वाया। अब कोल्ड वॉर में वो मेजर सी और डी कौन थे और वो किस तरह लड़े, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक आई वॉन्ट टू मेक यू लर्न, कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे पहले कहा कि कोल्ड वॉर थी ए और बी में, बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, लड़वाया किसको? सी एंड डी को। और हमेशा कभी वो सी एंड डी जर्मनी था, उसको पकड़ के डिवाइड कर दिया बिटवीन ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। कभी ये सी और डी बर्लिन था, बर्लिन को पकड़ के डिवाइड कर दिया बिटवीन ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। कभी ये सी और डी कोरिया था, कि कोरिया को पकड़ के डिवाइड कर दिया बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। कभी ये यहां पे जो आपका सी एंड डी है वो सी एंड डी, कभी यहां पे वियतनाम था कि वियतनाम को पकड़ के डिवाइड कर दिया बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। कभी ये सी और डी आपका अफगानिस्तान था कि अफगानिस्तान को पकड़ के डिवाइड कर दिया बिटवीन नॉर्थ अफगानिस्तान एंड साउथ अफगानिस्तान, जिसमें नॉर्थ अफगानिस्तान को हम नॉर्दर्न अलायंस कह देते हैं और साउथ अफगानिस्तान में मोस्टली तालिबान थे। कमिंग टुवर्ड्स द मेन पॉइंट, जैसे कि हमने, मैंने तुम्हें पहले बताया कि असल वॉर ए और बी की थी, लड़वाया सी और डी को, तो ये नहीं याद रहता कि ईस्ट जर्मनी को कौन सपोर्ट कर रहा था और वेस्ट जर्मनी को कौन सपोर्ट कर रहा था, ईस्ट बर्लिन को कौन कर रहा था, वेस्ट बर्लिन को कौन कर रहा था, नॉर्थ कोरिया को कौन कर रहा था, साउथ कोरिया को कौन कर रहा था, नॉर्थ वियतनाम को कौन कर रहा था, साउथ वियतनाम को कौन कर रहा था,
नॉर्थ अफगानिस्तान को कौन कर रहा था और तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा था? तो मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले को आपने माइंड में रखना है। अगर वो आपके माइंड में रहना तो आपको कभी भी ये प्रॉक्सीज भूलेंगी नहीं कि हु वाज सपोर्टिंग हु। देखो छोटा सा एक वर्ल्ड मैप बनाते हैं, छोटा सा, कि ये वर्ल्ड है, उसमें ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और इसके साथ ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, बाकी ये छोटा सा वर्ड बनाते हैं ताकि तुम्हें बात से समझ आ सके। अच्छा, अब यहां पे इस वर्ल्ड को कोल्ड वॉर की वर्ल्ड देखो, इस कोल्ड वॉर की वर्ल्ड में कह लो कि ये जो USSR है ना, ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था USSR। अब कोल्ड वॉर की प्रॉक्सी को याद करने के लिए ना इसको डिवाइड कर लो इस तरह कि नॉर्थ एंड साउथ में वर्ल्ड को एक दफा डिवाइड कर लो और एक दफा वर्ल्ड को डिवाइड कर लो बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट में। अब एक छोटा सा माइंड में फॉर्मूला अप्लाई करो, वो ये देखो कि उस टाइम भी और आजकल भी, उस टाइम भी और आजकल भी, उस टाइम जो सबसे बड़ा कंट्री था वो USSR था, जो कि बहुत बड़ा था। यूएस तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था, जो यूएस इधर है वो तो बहुत छोटा सा था। यूएसएसआर इधर रशिया, इधर सारे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इधर ईस्टर्न यूरोपियन की कंट्रीज, वो सारे के सारे यूएसएसआर का पार्ट बनते थे। अब इस स्कीम को माइंड में रखते हुए नॉर्थ और साउथ में देखो, नॉर्थ में एरिया किसका ज्यादा है? यूएसएसआर का। तो यहां पे फर्ज कर लो कि मैंने लिख लिया यूएसएसआर, तो अल्टीमेटली जो दूसरा पार्टनर बचेगा वो यूएसए है, और फर्ज कर लो ये एक वर्ल्ड है छोटू सी। उसके बाद एक दफा वर्ल्ड को डिवाइड कर लो बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ये मैंने डिवाइड किया नॉर्थ एंड साउथ, और मैंने सिर्फ आपको इतना कहा कि आप ये कर लो कि इस वर्ल्ड को माइंड में रखो और ये देखो कि इसमें नॉर्थ में ज्यादा पोर्शन किसका था? यूएसएसआर का। तो अल्टीमेटली जो दूसरा पोर्शन बचेगा वो वहां पे मैंने यूएसए लिख दिया, और यहां पे मैंने ये कहा कि ये फर्ज कर लो कि वर्ल्ड मैप को माइंड में रखते हुए कि ईस्ट पे कौन था, ईस्ट में था यूएसएसआर और वेस्ट पे कौन था? यूएसए था। अब इन दोनों चीजों को माइंड में रखते हुए जितनी भी प्रॉक्सीज थी वो बना लो। अब देखो, एक सबसे पहले जो चीज डिवाइड हुई वो जर्मनी की डिवीजन थी, किस में? बिटवीन ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। उसके बाद डिवीजन कोल्ड वॉर में थी बर्लिन की, बर्लिन किस में डिवाइड हुआ? बिटवीन ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। उसके बाद जो कोरिया है, कोरिया किस में डिवाइड हुआ? बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। इसी तरह यहां पे वियतनाम किस में डिवाइड हुआ? बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। और सेम इज द केस विद अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान किस में डिवाइड हुआ? बिटवीन नॉर्थ अफगानिस्तान, जिसको नॉर्दर्नर अलायंस कहते हैं वो लिख लेते हैं, और नीचे मोस्टली थे तालिबान। अब यहां पे ना ये प्रॉक्सीज में समझ नहीं आती कि इसको कौन सपोर्ट कर रहा था और इसको कौन कर रहा था, 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 इसको। इसके लिए वही जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसको माइंड में रखो कि ये वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को अगर हम नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं
तो नॉर्थ में ज्यादा रीजन किसका था, एरिया यूएसएसआर का था, और साउथ में डेफिनेटली दूसरा प्लेयर वो जो है यूएसए हो जाएगा। और अगर मैं वर्ल्ड को कहूं कि ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करें, तो ईस्ट में यूएसएसआर था और वेस्ट में यूएसए। अब ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करो, देखो ईस्टर्न जर्मनी को कौन सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर, और वेस्टर्न जर्मनी को यूएसए। ईस्ट बर्लिन को यूएसएसआर, वेस्ट बर्लिन को यूएसए। नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर, साउथ कोरिया को यूएसए। नॉर्थ वियतनाम को यूएसएसआर, साउथ वियतनाम को यूएसए। नॉर्थ अलायंस को यूएसएसआर, नीचे तालिबान को कौन सपोर्ट कर रहा था, यूएसए। तो अगर आपके पास ये फार्मूला छोटी सी माइंड में अगर आप लॉजिकल सेंस बना लो कि अगर दुनिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करें, तो नॉर्थ में एरिया किसका ज्यादा है, यूएसएसआर का, और दूसरा प्लेयर अल्टीमेटली नीचे जो बचता है फॉर द सेक ऑफ कोल्ड वॉर वो यूएसए है, तो नॉर्दर्न में जो भी पार्ट होगा उसको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा होगा और साउथ में यूएसए, और यहां पे ईस्ट ईस्ट में हमेशा यूएसएसआर होगा और वेस्ट में यूएसए। अगर ये चीज माइंड में हो तो ये जो प्रॉक्सीज हैं ये कभी आपको बोलते भी नहीं। बाकी थैंक यू सो मच। और मैं जैसे पहले भी कहता हूं कि अगर तुम लोग ये वीडियोस ही देखा करो ना, मतलब इतनी यूट्यूब पे अवेलेबल है, इतनी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो तुम लोग अपनी सारी चीजें खुद से ही कर सकते हो, अपने यूट्यूब से देख के अच्छे से नोट्स बना सकते हो, और किसी टीचर के पास किसी के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच।